गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो कल हमारा मीनिंग हो गया था इस कॉन्सेप्ट का. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एज वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इट इज द एग्रीगेट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो डिफरेंट सेक्टर्स के प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ऐड कर देना है, वो एग्रीगेट डिमांड आ गया. तो दो सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. वी वर डिस्कसिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर. जो गवर्नमेंट सेक्टर है बेटे, वो खर्चा करता है, वो कंजम्पशन के ऊपर भी करता है और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करता है. ठीक है, उसके खर्चे को हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the government on consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy. नेक्स्ट लाइन में बुलेट डाल के लिख सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट द पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एडुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एटसेट्रा. नेक्स्ट लाइन में लिखे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, roads, power plants, etc. Now government expenditure, अब हमने कहा कि ये जो expenditure है ये किसके ऊपर depend करता है, ये किसका function है, ये function है disposable income का. Investment expenditure किसका function है या किसके ऊपर depend करता है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, अब वो पॉलिसी जनरली गाइड होती है सोशल वेलफेयर से. ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें ज्यादा खर्चा करना चाहिए तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है. अगर कम कर लगता है उसको गवर्नमेंट की लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए तो वो अपना खर्चा कम कर देती है. ये इनकम या इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सो यू कैन राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट which is generally guided by social welfare, ठीक है बच्चे. अब चौथा सेक्टर जो किसी भी इकोनॉमी में होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा, अब हमारी कंट्री से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो हमारी कंट्री के प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो क्योंकि इवन दो ये एक्सपेंडिचर हमारे लोगों ने नहीं किया, किसने किया है, फॉरेनर्स ने किया है, लेकिन ये गुड्स प्रोड्यूस कहाँ हुए हैं, ये हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड में एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे. ठीक है, अब जिस तरह से फॉरेनर्स हमारी कंट्री के गुड्स खरीदते हैं
उसी तरह से हम लोग भी फॉरेन कंट्रीज के गुड्स खरीदते हैं, ठीक है। हमने सपोज करो ये जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हमने प्लान किया हुआ है 35 करोड़ रुपए का, इसमें से 5 करोड़ के जो गुड्स हैं वो इंपोर्टेड गुड्स हैं। अब देखो अगर हम 35 करोड़ ऐड कर देते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एग्रीगेट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, बट दिस इंक्लूड्स 5 करोड़ ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो ये एडी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमारी कंट्री ने फॉरेन गुड्स खरीदे हुए हैं, यानी जो इंपोर्ट्स किए हुए हैं, उनको हम माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देंगे, इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो एक्सपेंडिचर है उसका नाम क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट्स। तो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो लिख लो, नेट एक्सपोर्ट्स इंक्लूड्स, फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट है, हाइफन डाल के लिखो, इट इंक्लूड्स डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री by the rest of the world हमने कंपोनेंट क्या लिखा है, नेट एक्सपोर्ट्स, हाइफन डाल के लिखो, इट इंक्लूड्स की जगह लिखो एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड्स डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री by rest of the world imports refer to demand of the residents, जो हमारे residents हैं उनकी demand of a country, demands of the residents of the country for the goods produced abroad, for the goods produced abroad, the difference between exports and imports is termed as net exports, ठीक है, difference between exports and imports is termed as net exports. So which means these are the four components of aggregate demand: private consumption expenditure, private investment expenditure, government expenditure and net exports. Symbolically we can say AD, you can write it down, AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. ये क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये नेट एक्सपोर्ट्स। दिस मच इज क्लियर बेटे, एनीवन हैविंग एनी डाउट। नेक्स्ट लिखिए, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इवन दो एडी इज सम टोटल ऑफ दीज फोर कंपोनेंट्स, but if we discuss about AD of a two sector economy kaun si hoti hai bete, jisme ye do sectors hote hain, household sector and firm sector, to us case mein agar economy do sectors ki hai to us case mein AD kya hoga, AD will be equal to C plus I, theek hai, likh lo, in case of a two sector economy AD is a sum total of consumption and investment expenditure. Next topic isi ke under behavior of AD, ab hum AD ka behavior tabular form mein
शेड्यूल की फॉर्म में और डायग्रामेटिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो नोटबुक्स आपकी खुली होनी चाहिए, पेन्स होने चाहिए आपके पास। यू हैव टू राइट डाउन द टेबल एज वेल एज यू हैव टू मेक द डायग्राम बिहेवियर ऑफ एडी। ठीक है, हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एडी है वो क्या है। लिखो, एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर यहां पर क्या है, एडी है, ब्रैकेट में लिख लो। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेस एडी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। एज इनकम इंक्रीजेस एडी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। बेटे यहां पर हम चार कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम है लेवल ऑफ इनकम का, दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, तीसरा है इन्वेस्टमेंट का और चौथा है एडी विच इज अ सम टोटल ऑफ सी एंड आई। ठीक है, अब सब ये रुपीस करोड़ में ही है, इनकम भी रुपीस करोड़ में है, कंजम्पशन भी, इन्वेस्टमेंट भी और एडी क्योंकि इन दोनों का टोटल है तो ऑब्वियसली रुपीस करोड़ में है। ठीक है, तो लेट अस सी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूं और 20 का गैप डाल रही हूं। इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर हमने देखनी है हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है। ठीक है, ये आपने कॉलम लिख लिया, जीरो है फिर 20 का डिफरेंस है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नाउ देयर इज समथिंग व्हिच यू माइट बी थिंकिंग एज इनकरेक्ट और यू माइट बी अमेज्ड टू नो कि जब इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम जीरो है तो मैंने कंजम्पशन जीरो नहीं लिखी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने लिखा 20। ठीक है, अब जब इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया, 20 हो गया, अब मैं कंजम्पशन लिख रही हूं 25। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमी का बढ़ रहा है, मैं हर बारी इसको बढ़ा रही हूं 5 करोड़ रुपीज से। सो दिस इज व्हाट यू गेट एंड लेट मी एक्सप्लेन कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि जब इकोनॉमी की इनकम जीरो है तो खर्चा 20 कैसे हो सकता है। बेटे इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पीपल डू कंज्यूम समथिंग। आपकी इकोनॉमी की इनकम जीरो भी चली जाएगी तो भी आपका खर्चा जीरो नहीं रहेगा, आपको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा। चाहे आप पास्ट सेविंग से करो, चाहे आप बोरोइंग से करो, लेकिन आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं हो सकता। यू अग्री? इफ यू अग्री गिव अ थम्स अप। जब पूरी इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जब आप जीरो इनकम पे हो तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं हो सकता, यू हैव टू कंज्यूम समथिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपने देखा कंजम्पशन भी बढ़ रही है। दिस इज अगेन अ सिंपल फैक्ट, साइकोलॉजी है ये हमारे कंज्यूमर की। केन्स ने इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का नाम दिया है। किस चीज को? उसने दो चीजें एक्सप्लेन की,
एक उसने कहा जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी की कंजम्पशन भी बढ़ेगी. इज ही राइट? इट्स द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर. मेरी सैलरी बढ़ेगी मेरा खर्चा बढ़ेगा. ठीक है, ये माइक्रो व्यू पॉइंट से मैंने कहा. मैक्रो व्यू पॉइंट यानी इकोनॉमी एज अ होल की बात करें, आप सबकी टोटल पॉकेट मनी पूरी क्लास की बढ़ गई तो पूरी क्लास का खर्चा बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा. ठीक है, तो ये शोर है कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है. लेकिन दूसरी बात क्या शो हो रही है, हर बार इनकम में इंक्रीज कितना है, 20 करोड़ रुपीस का, लेकिन कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है, ओनली 5 करोड़ रुपीस. ठीक है, यानी अगर आपकी पॉकेट मनी 20 रुपए बढ़ेगी, आप खर्चा बढ़ा दोगे लेकिन खर्चा 20 करोड़ नहीं बढ़, 20 रुपए नहीं बढ़ाओगे, खर्चा 5 रुपए बढ़ाओगे. फिर और इनकम बढ़ी और खर्चा बढ़ाओगे लेकिन कितना बढ़ाओगे, इनकम के जितना नहीं, आप इनकम से कम खर्चा बढ़ाओगे. ठीक है, सो ये भी दूसरा फैक्ट जो यहां से पता चल रहा है कि इनकम के बढ़ने से, पहला फैक्ट क्या था, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है. अब इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि लोगों की इनकम बढ़ती है उनका खर्चा भी बढ़ता है, लेकिन जिस रेट पे इनकम बढ़ती है खर्चा उससे कम रेट पर बढ़ता है. ये लोगों की साइकोलॉजी है कि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो सेविंग्स बढ़ा देते हैं. ठीक है, ओके. नाउ इन्वेस्टमेंट, हम कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या वो इनकम का, डज इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम? नो. जैसे यहां पर हमने कहा था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, बट इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट जो है इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो लेट अस से यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है 10 करोड़ की, तो इस लेवल ऑफ इनकम पर भी 10 करोड़ की रहेगी, इधर भी 10, 10, 10 and 10. ऑटोनॉमस है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो शॉर्ट रन में ये सेम रहती है. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो इसको ऐड कर देते हैं, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया. अब हम इसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे. तो एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर स्टडी करते हैं. सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी लोग खर्चा कर रहे हैं, एडी जीरो नहीं है, एडी पॉजिटिव है. दूसरा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है खर्चा बढ़ रहा है. तीसरा, एडी पहले तो इट इज इट दिस पॉइंट इट इज मोर देन इनकम. देखो इनकम जीरो खर्चा 30, इनकम 20 खर्चा 35, इनकम 40 खर्चा 40. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनकम 60 एक्सपेंडिचर 45, इनकम 80 एक्सपेंडिचर ओनली 50, इनकम 100 एक्सपेंडिचर 55, इनकम 120 एक्सपेंडिचर ओनली 60. दैट इज एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड इनकम आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इज रीच. AD lags behind income. ठीक है, is it clear? अब इसी को हम डायग्राम से शो करेंगे. हमें स्केल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपको इतने डायग्राम बनाने आ गया, आपको पता है कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो यू कैन टेक द स्केल. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको एक्स एक्सिस पर क्या लेना है और y एक्सिस पर क्या लेना है. बेटे x एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एनीवन? इज कंजम्पशन इंडिपेंडेंट और इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट? क्या कंजम्पशन किसी के ऊपर डिपेंड करती है या इनकम किसी के ऊपर डिपेंड करती है, बताइए.
Investment is independent. Income is independent. Okay, anyone else? I got two answers. All right. Yes, Vanshika. Here, income is the independent variable. क्योंकि ये जो factor, ये जो है variable, ये इसके ऊपर depend करता है. ठीक है? So here we will be taking level of income x-axis के ऊपर. बाकी जो variables हैं, consumption, investment और aggregate demand, वो हम लेंगे y-axis के ऊपर. ठीक है? अब सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करते हैं. अब इन्वेस्टमेंट यहां पर इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ऑटोनॉमस है, डिपेंड नहीं कर रही. ठीक है? यानी हर लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है. तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा? एनीवन? जब इन्वेस्टमेंट 10 पे भी 100, 20 पे भी 10 है, 30 पे भी 10 है, 0 पे भी 10 है, 40 पे भी 10 है, 50 पे भी 10 है, 60 पे भी 10 है, 70 पे भी 10 है. ठीक है? इस तरह से है ना. सो इसका मतलब दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. आप ये चाहे ना बनाओ सर्कल्स, पॉइंट्स ना प्लॉट करो, सिंपल पहली लाइन के ऊपर आपकी नोटबुक लाइंड है तो पहली लाइन के ऊपर आप आई आई कर्व बना दीजिए. दिस कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. रीजन बीइंग इट इन्वेस्टमेंट remains constant at all the levels of income. ठीक है? उसके बाद हमें consumption curve draw करना है. दो बातें, कहां से start होगा और slope कैसी रहेगी. ठीक है? तो क्योंकि zero level of income पर consumption zero नहीं है, positive है, 20 है, तो ये zero से, origin से start नहीं होगा. तो कहां से स्टार्ट होगा? अबव द ओरिजिन. दूसरी बात, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो ये कर्व इन्वेस्टमेंट के ऊपर से स्टार्ट होगा. अब जैसे आपने इसको फर्स्ट लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है तो सेकंड लाइन से आप अपना सीसी कर्व स्टार्ट कर सकते हैं. ये 10 है तो ये 20 है. ठीक है? यहां से स्टार्ट हो जाएगा. दूसरी बात, क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग? एनीवन? वुड इट बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? अपवर्ड होगा. रीजन, देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. फिर स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व्ड होगा? वुड इट बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व? स्ट्रेट लाइन होगा. क्यों होगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि प्रोपोर्शनेट है ये. ये देखो हर बारी इसमें कांस्टेंट अमाउंट में चेंज से इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है. ठीक है? सो इट विल बी लाइक दिस सी सी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन. अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन रहती है यहां पर इतनी ओसी, ठीक है, 20. जीरो पर कंजम्पशन कितनी है? 20. और डायग्रामेटिकली ओसी, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ओसी इज रेफर्ड टू एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट एडी कर्व? As we are going to see the behavior of aggregate demand, AD is a sum total of consumption and investment. तो हम consumption curve में investment add कर देते हैं, हमारे पास AD curve हो जाएगा. अब investment add की, investment तो हर बारी constant है. ठीक है? पहली बात, क्योंकि हमने AD में I को add किया है तो वो C से ऊपर रहेगा. दूसरी बात, आई हर बारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो एडी कर्व है वो सीसी के पैरेलल रहेगा. तो फर्स्ट लाइन 10 डिनोट करता है, सेकंड लाइन 20 डिनोट करता है, तो थर्ड लाइन क्या डिनोट करेगा? 30. यानी आपका एडी कर्व स्टार्ट कहां से होगा? 30 से स्टार्ट होगा. एडी व्हिच इज इक्वल टू सी प्लस आई. एडी इक्वल्स
C plus I. ठीक है. सो वेन एवर यू आर आस्ड अबाउट एडी कर्व वॉट यू शुड नो एडी कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन. तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख लेते हैं. ऑब्जर्वेशंस नंबर वन, व्हेन इनकम इज जीरो एडी इज पॉजिटिव. When income is zero, AD is positive. Number two, AD rises with every increase in the level of income. AD rises with every increase in the level of income. देखो जैसे जैसे income बढ़ रही है aggregate demand भी बढ़ रही है. थर्ड ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ सर्टन लेवल इज रीच्ड, आफ्टर अ सर्टन लेवल इज रीच्ड एडी लैग्स बिहाइंड इनकम. एडी लैग्स बिहाइंड इनकम. तो ये देखा हमने 40 तक तो हमारा खर्चा इनकम से ज्यादा है. 40 के बाद क्या हुआ, हमारा खर्चा इनकम से पीछे रह गया. सो आफ्टर दिस लेवल ऑफ इनकम इज दिस पॉइंट एडी लैग्स बिहाइंड इनकम. दिस मच इज क्लियर बेटे, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. मेरे को सिर्फ दो तीन रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वंशिका का हो गया, एक सुहानी का हो गया, और कोई स्टूडेंट नहीं सुन रहा. इज राणा देयर इन द क्लास? राणा, सुखमन, वैभव, ओके, यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास बेटे. All right, Akriti is not there. चलिए आगे चलें फिर बेटे. Okay, she is there. Divilian, are you listening? Next concept हमारा है aggregate supply. अभी हमने aggregate demand के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे aggregate supply के बारे में. Write down. Aggregate supply refers to flow of goods and services, as planned by the producers during an accounting year. So aggregate supply क्या है बेटे? Aggregate supply है जो कि producers हैं, ठीक है, वो एक accounting year में कितने goods and services produce करने का सोच रहे हैं, ठीक है. अब जब हम फिजिकली उन गुड्स को मेजर करते हैं कि इतने क्विंटल ऑफ ये चीज, इतने लीटर्स ऑफ ये चीज, इतने मीटर्स ऑफ ये चीज, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कह देते हैं, ठीक है. अब आप सबको पता है जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है? वो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. एज अ रिजल्ट ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें जो इनकम जनरेट होती है, हम वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. मीनिंग देयर बाय दैट द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है. सो इट वोंट बी राइट टू से, रॉन्ग टू से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. So that's all for the day. As time is up, rest we will do tomorrow.